दोस्तों आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हेलो दोस्तों बोलने वाले आज सर हरे कृष्णा क्यों बोल रहे हैं। तो दोस्तों हाल ही में मैंने इंडिया टीवी पे एक न्यूज देखा जिसमें आइसकॉन के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी और कुछ पेरेंट्स आए हुए थे जो ISKCON के बारे में बोल रहे थे कि ये फ्रॉड है और ये ब्रेन वॉशिंग करता है और जितने भी इसमें बड़े बड़े स्टूडेंट होते हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या डॉक्टरी पढ़ते हैं या MBBS करते हैं वो लोग को ब्रेन वॉश करके और अपने संस्था में ला लेता है। तो दोस्तों मैंने 2015 या 16 में ISKCON टेम्पल जिसका हेड ऑफिस मायापुर में है वहां पे गया हुआ था। प्रथम दृश्य तो मुझे ये टेम्पल बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही इम्प्रेशन मुझ पे छोड़ा दोस्तों। और उसके बाद मैंने 3-4 साल के बाद जब इसका न्यूज देखा न्यू टीवी पे तो मुझको बहुत डाउट हुआ और मैंने सोचा कि मैं भी एक ISKCON पे एक वीडियो बनाऊंगा और अपना व्यू रखूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये ISKCON क्या है ऐसे ये सब मैं बताऊंगा और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करके बोर्ड पे एकत्रित किया है। चलिए जानते क्या है, लेकिन इसमें बताया गया ज्यादातर व्यू मेरा अपना होगा दोस्तों। ठीक है, और इस संस्था के बारे में होगा और संस्था मेरी नजर में फ्रॉड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं आगे हॉल क्या है। फिर दोस्तों इसको शॉर्टकट में ISKCON बोलते हैं। ISKCON का अर्थ होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस। ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी संस्था है, कोई छोटा नहीं है। या फिर इसको दूसरे नाम हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से जानते हैं, हरे कृष्णा। दोस्तों आप जानते होंगे कि हिंदुइज्म में है, जो हिंदू धर्म में 33 करोड़ कहा जाता है कि देवी देवता हैं। ठीक है, लेकिन ISKCON वाले जो लोग हैं यहाँ के जो डिवोटी है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ कि मैं ना वहां का डिवोटी हूँ ना उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, बट मैंने इस चीज को बहुत करीब से देखा है, मायापुर में जाकर देखा है दोस्तों। बहुत अच्छी है और पूरे वर्ल्ड का फेमस बिल्डिंग मायापुर में बन रहा है जो कि कलकत्ता में है। कोलकाता से आपको कुछ दूरी जाना होगा, जो कि ट्रेन से कुछ दूर जाना पड़ता है, उसके बाद ऑटो या टेम्पो से जाइएगा, उसके बाद आपको एक रिवर क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद मायापुर आपको आता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए और कुछ ज्यादा इसके बारे में जानते हैं। तो ISKCON को हरे कृष्णा मूवमेंट के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, इनका फाउंडर है AC भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी, ये इनका फाउंडर है। ठीक है, इनका जो फाउंड किया गया था वो 13 जुलाई 1966 में न्यूयॉर्क जो US में पड़ता है वहां पे फाउंड किया गया था। ठीक है, और जो ये AC भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी हैं, इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1896 में और ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में जन्मे हुए थे और इनकी मृत्यु जो 81 वर्ष से 81 एज में हुई थी वो था 14 नवंबर 1977 को और ये वृंदावन में हुआ था इनका मृत्यु, जो कि UP में होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लोग करता है कि जब ये इंडिया के थे तो इन्होंने अपना टेम्पल विदेशों में, या फिर बहुत लोग कहता है कि ये फ्रॉड संस्था है, ये विदेशों का मंदिर है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये पूरे हिंदुइज्म धर्म के प्रति क्या बोले इसको आप पूर्ण रूप से समर्पित मंदिर है और हिंदुइज्म के जो बातें हैं जो हम आजकल भूलते जा रहे हैं उसको फैला रहा है। हाँ, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें से जो लोग जुड़ा हुआ है वो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि इसके विचारधारा को समझना एक आम बात मुझे लगता है कि आम नागरिक की मतलब बातें नहीं हो सकती है। और ये संस्था बहुत सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना भी खिलाता है, बहुत सारे स्कूल भी खुला हुआ है, बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो आइए कुछ और बातें हम जानते हैं दोस्तों। तो इनका जन्म वेस्ट बंगाल कोलकाता में हुआ था और मृत्यु 81 के एज में हो गया
वृंदावन जो यूपी में हुआ। दोस्तों ये इस्कॉन जो है इसका हेड क्वार्टर मायापुर वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। कुछ लोग जानकारी देते हैं कि ये विदेशी है, जबकि नहीं, इसका हेड क्वार्टर मायापुर में है। अगर आप गए होंगे तो जरूर जानते होंगे। आज के डेट में दोस्तों लगभग 900 टेंपल एंड वर्ल्ड वाइड सेंटर है, 900 पूरे वर्ल्ड वाइड में सेंटर है और टेंपल्स है। दोस्तों आप इसका वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च कर देखिए, इसके भक्ति में लोग इतने मतलब मग्न हो जाते हैं कि पूरा दुनिया को भूल जाते हैं और सही में भक्ति वे लोग करते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। चलिए आगे कुछ जानते हैं, ठीक है। तो हो गया टुडे का स्टेटस, उसके बाद मैंने हेडिंग डाला है कि आज का इसका स्टेटस क्या है। तो दोस्तों ये आज का दिनों में जो इस्कॉन है ये पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। करोड़ों लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं और अपने जीवन में इसका लाभ उठा रहे हैं, ठीक है। मैंने इंडिया टीवी पे जो देखा था उसमें कुछ पेरेंट्स आए हुए थे जिनके माँ बाप लोग बोल रहा था कि इस्कॉन फ्रॉड है, इसमें ब्रेन वॉशिंग होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी जाइए, आपको कोई फोर्स नहीं डालेगा कि इस संस्था से जुड़ जाइए या फिर इसमें रहिए, कोई जोर दबाव नहीं। आपको अच्छा लगता है तो जुड़ सकते हैं, ठीक है, उसका भक्ति कर सकते हैं। आइए कुछ और जानते हैं। और दोनों माई व्यू इसके बारे में लिखा है कि मेरा अपना व्यू क्या है इस संस्था के बारे में। तो मेरे इससे अपना व्यू जो है दोस्तों, ये कंप्लीट रूप से अच्छा संस्था है। कोई भी आप इसके बारे में अगर फ्रॉड बताता है तो ये समझिए कि उसके पास अधूरा नॉलेज है या फिर इसकी संस्था के बारे में ज्ञान नहीं है। दोस्तों हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में जो मानव लाइफ को जो बांटा गया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों यहां देखिए, कह रहे हैं कि 4 stages ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ के 4 stages में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है ब्रह्मचार्य, जिसको स्टूडेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं, या इसको ब्रह्मचारी भी बोलता है हिंदी में दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जन्म से लेके 25 वर्ष तक रखा गया है अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये ब्रह्मचार्य जो होता है उसका मेन ये लक्ष्य होता है कि इसमें पढ़ा जाए, ज्ञान को अर्जन किया जाए। उसके बाद ये जन्म से 25 ईयर्स तक चलता है। उसके बाद दोस्तों आता है गृहस्था यानी हाउस होल्डर, जो 25 से आगे 50 तक चलता है। तो हाउस होल्डर में लोग क्या करते हैं, शादी करते हैं, या फिर हाउस होल्डर का एक मेन काज ये होता है कि शादी करके अपना जो जनरेशन होता है उसके आगे बढ़ाया जाए। और एक इसका मेन लक्ष्य ये होता है कि धन संपत्ति का अर्जन किया जाए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो कोई संस्था चल रही है और उसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी सन्यासी लोग हैं या ब्रह्मचारी हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसको फंड दिया जा रहा है, तभी चल रहा है। और वो कहां से फंड आएगा, जब तक लोग सर्विस नहीं करेंगे, जब तक लोग जॉब नहीं करेंगे। इसलिए जो गृहस्थ जीवन है दोस्तों, इसको काफी संघर्षपूर्ण बताया जाता है। ऐसे तो सब जो स्टेजेज है वो काफी संघर्षपूर्ण अपने आप में होता है। उसके बाद आता है वानप्रस्था, जिसको रिटायर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, वो जो होता है वो 57 और 72 में आता है। उसके बाद आता है सन्यासा, जिसको सन्यासी भी आप कह सकते हैं, रिनाउंसिएट, जो 72 के आगे आता है। लोग इस एज में आते आते अपने घर संपत्ति या जो भी है इसमें त्याग करके और भगवान के भक्ति में लग जाते हैं। तो दोस्तों मेरे नजर में इस्कॉन के में जो जितना जानकारी था मैंने आपको बताया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे भी कोई न्यूज होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। नमस्कार।